हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई आपका दोस्त सुनील यशपाल और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल पावा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या में। और पत्या में एक बार फिर से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक फेस्टिवल का जो मौसम चल रहा था यहाँ पर दिसंबर से पहले बैक टू बैक लगभग 2 से 3 महीने कंटिन्यू यहाँ पर कोई ना कोई फेस्टिवल चलते रहे। पहले यहाँ पर हुआ म्यूजिक का फेस्टिवल, उसके बाद यहाँ पर हुआ एक फायर वर्क फेस्टिवल, और उसके बाद यहाँ पर बारी आई जो लॉय कर्थुंग जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल जो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ का फेस्टिवल था, लाइक आप लोग कह सकते हैं। फिर नया साल आ गया, न्यू ईयर ईव आ गया, न्यू ईयर की पार्टीज, क्रिसमस की पार्टीज, लाइक बैक टू बैक पार्टीज चल रही थी। और वो जो एक फेस्टिवल का टाइम था वो यहाँ पर दिसंबर के बाद से मिसिंग हो गया था। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि वो टाइम यहाँ पर वापस आने वाला। अगर आप लोग मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं तो इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आने वाला महीना है, आई मीन जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने में बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके लिए, बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं मार्च के महीने से। और मेरे काफ़ी सारे भाई यहाँ पर मार्च का इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग मार्च में यहाँ पर आते हैं तो आप लोग यकीन मानिए कि पताया बिल्कुल तैयार है आप लोगों का एक म्यूज़िकल तरीके से वेलकम करने के लिए। तो यार ये है वो बैनर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इट्स पताया म्यूजिक का फेस्टिवल, द बिगेस्ट म्यूजिक का फेस्टिवल ऑन द बीच। और इसकी जो डेट्स है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर वीकेंड पर आने वाला जो मंथ है मार्च का, हर वीकेंड यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा एक फेस्टिवल की तरह। तो अगर आप लोग देखें तो 4 और 5 मार्च 2022, मतलब आने वाली 4 और 5 तारीख को नॉर्थ सेंट्रल और साउथ पत्या, लाइक जो मेन पत्या बीच है उसके 3 पार्ट्स हैं, और तीनों पार्ट्स में 3 स्टेजेस बनेंगे, बड़े स्टेज होंगे जहां पर अलग अलग बैंड्स परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देखें तो 11 और 12 मार्च को ये फेस्टिवल यहां से मूव करेगा जोमटियन बीच। उसके अलावा 18 और 19 मार्च को ये फेस्टिवल यहां से चला जाएगा जो नाकुला मार्केट है, जो नाकुला एक एरिया है यहां पर पत्या। और उसके अलावा आप लोग देखें 25 और 26 मार्च को तो जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ पर सेंट्रल बीच, बिल्कुल आप लोग कह सकते हैं जो पत्या बीच का बिल्कुल सेंट्रल वाला पार्ट है, जो नियर सेंट्रल फेस्टिवल मॉल आप लोग कह सकते हैं। और उसके अलावा यार यहाँ पर जितने भी जो बैंड्स हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे उन सभी बैंड्स के आप लोग यहाँ पर ये लोगों देख सकते हैं। तो यार लोगों के साथ साथ में यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है कि कितने बजे से लेकर और कितने बजे तक वो जो बैंड्स हैं यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यार एक अच्छी खासी तैयारी है यहाँ पर आने वाले जो महीना है, जो मार्च का महीना है, उसको सेलिब्रेट करने की। तो यार आने वाला जो महीना है बिल्कुल यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक बार फिर से एक फेस्टिवल मंथ होने वाला है, अगर आप लोग पत्या सिटी की बात करें। और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे भाई मेरे से यार काफ़ी दिन से पूछ रहे हैं कि बाबा वॉकिंग स्ट्रीट की क्या पोजीशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो यार नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाई नंबर ऑफ केसेस को लेकर भी थोड़े से टेंशन में कि यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस बढ़ने का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो क्या है यार, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आज अगर आप मेरे साथ चलेंगे अभी यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट पर। तो यार एग्जैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, और आपको यार एक बार फिर से बताता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ केसेस आप लोग देख रहे हैं इट्स जस्ट लाइक यार माइनर सिम्टम्स है, जिसको भी माइनर सिम्टम्स होते हैं उसको भी यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ताकि यार जो एक पेंडेमिक है, जो एक कोविड है, यहाँ पर स्प्रेड ना हो सके। तो आप लोग बने रहिए साथ में, आपको लेके चलता हूँ आपकी फेवरेट वॉकिंग स्ट्रीट पर। और वॉकिंग स्ट्रीट की पोजीशन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीज इन थाईलैंड। तो डरने की कोई बात नहीं है यार, जो आप लोग कह सकते हैं कि लाइक जो सीरियस जो कह सकते हैं कि सीरियस जो केसेज है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेज आप लोग कह सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत कम है। और डे बाई डे वो जो केसेज है यहाँ पर कम हो रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको उनके घरों में या फिर उनको होटल्स में यहाँ पर क्वारंटीन किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट, आपको दिखाता हूँ आपकी फेवरेट वॉकिंग स्ट्रीट और बताता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यार अब मैं पहुंच गया हूं आप लोगों की फेवरेट वॉकिंग स्ट्रीट, और आप लोग अगर बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ आप लोगों की नहीं, अगर आप दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर से जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है पत्या के अंदर, उनकी यार एक फेवरेट स्ट्रीट है ये वॉकिंग स्ट्रीट। और वर्ल्ड वाइड जो सबसे फेमस स्ट्रीट है, अगर आप लोग पूरे इंटरनेशनली आप लोग बात करें हर कंट्री की, तो जो जो आप लोग कह सकते हैं जो दुनिया की टॉप की जो 10 स्ट्रीट है जो टूरिस्ट के बीच में फेमस है, तो उसमें से एक स्ट्रीट है ये वॉकिंग स्ट्रीट। तो चलिए चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर फिलहाल किस तरह का माहौल है।
तो यार फिलहाल आप लोग देख रहे हैं तो आपको वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर बहुत सारे लोग नहीं दिखेंगे, लगभग आप लोग खाली बोले तो बिल्कुल सही बात है कि इस समय बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ पर खाली है। लेकिन यहाँ पर जो क्लब्स ओपन हो चुके हैं, जैसे एक क्लब है सामने द स्टोन हाउस, और ये वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर पहला क्लब है जो यहाँ पर ओपन आपको दिखेगा। अगर आप लोग इसके बिल्कुल बाहर दिखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डेस्क लगे हुए दिखेंगे जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर लिखा गया है कि यार चेक ATK फ्री। तो यहाँ पर यार एक एंटीजन टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर एक जो हेल्थ वर्कर्स की टीम है वो यहाँ पर आकर बैठती है, और जो भी लोग इस क्लब के अंदर एंट्रेंस लेना चाहते हैं उन लोगों को पहले यहाँ पर एक ATK टेस्ट कराना पड़ता है, और वो ATK टेस्ट यहाँ पर वैलिड होता है 72 आवर्स तक। तो यार ये है वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर आते ही अपने पास में सबसे पहला क्लब द स्टोन हाउस, और इसके बाहर जो आप ये एक तरह का एक काउंटर देख रहे हैं, जो डेस्क यहाँ पर लगाया गया है, थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ हेल्थ वर्कर आकर बैठेंगे जो यहाँ पर ATK टेस्ट करेंगे उन लोगों का जो यहाँ पर क्लब के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यार काफ़ी सारे भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि यार जो नंबर ऑफ केसेज इंक्रीज हो रहे हैं उसकी क्या वजह है, तो उसकी एक वजह इस तरह के डेस्क भी हैं, क्योंकि इस तरह के जो काउंटर्स हैं, इस तरह के जो स्टॉल्स हैं, जो डेस्क हैं यार पत्या में, इनफैक्ट आप लोग थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में काफ़ी जगह पर ये लगाए गए हैं, और लोगों का फ्री एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है जिस तरह से यार जो माइनर से माइनर सिम्टम्स भी हों उसको पकड़ा जा सके और इस जो एक पेंडेमिक है इसको रोका जा सके स्प्रेड होने से। तो यार एक अच्छा स्टेप है यहाँ पर ये थाई गवर्नमेंट का कि यार जितने ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट यहाँ पर होंगे उतनी जल्दी आप लोग कह सकते हैं कि यार इस लाइक पेंडेमिक के ऊपर हर कंट्री विजय हासिल करेगी, तो उसी की एक ट्राई यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक मेन रीज़न है यहाँ पर नंबर ऑफ केसेज इंक्रीज होने का, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी लाइक जो क्राउडेड जगह है, कोई भी मार्केट की बात कीजिए, आप शॉपिंग मॉल्स की बात कीजिए, जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उसके अलावा जो इस तरह के क्लब्स हैं, जो बार्स हैं, जहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि रात को एक अच्छी खासी भीड़ होती है, तो उन सबको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कोई भी लाइक जो भी कस्टमर्स आपके क्लब के अंदर जाते हैं वो बिना ATK के अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो ATK है यहाँ पर वैलिड होता है 3 दिन तक, तो यार जो भी कस्टमर्स यहाँ पर रेगुलर भी आते हैं तो उनको हर 3 दिन के बाद यहाँ पर एक ATK टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि यार ये सिम्टम्स आप कह सकते हैं कभी भी यार किसी को भी हो सकता है, तो यार एक प्रिकॉशन के लिए आप कह सकते हैं, और इसी प्रिकॉशन की वजह से शायद थोड़े से केसेज यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन यार फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं यार कि जो ये केसेस है इट वाज नॉर्मल, जो सिम्टम्स है उसके केसेस यहाँ पर ज़्यादा है, कोई भी ऐसे घबराने की बात नहीं। अगर आप लोग हॉस्पिटल्स की बात करें, आप लोग जो लाइक आप लोग बोले कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो अपने घरों में ही यहाँ पर क्वारंटीन होते हैं या फिर होटल्स के अंदर क्वारंटीन होते हैं, तो यार ऐसा कोई सीरियसनेस वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर्स हैं और यार ये अप डाउन्स होते रहते हैं, और यार बहुत जल्दी जो नंबर्स हैं ये भी यहाँ पर ज़रूर डाउन होंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए साथ में और अपने बढ़ते हैं वॉकिंग स्ट्रीट पर थोड़ा सा और आगे। तो यार वॉकिंग स्ट्रीट पर आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक गोगो बार है, इट्स स्काई फॉल, अगर आप लोग ये बोर्ड देख पा रहे तो ये भी यहाँ पर ओपन हो गया है एक गोगो बार। और अगर आप लोग सामने देखें तो यहाँ पर भी आपको बाहर यहाँ पर डेस्क दिखेगा जहाँ पर ATK टेस्ट किट रखी गई है। तो यार मोस्ट ऑफ जितनी भी लाइक आप लोग कह सकते हैं क्लब्स हैं, जो बार्स हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ओपन है, आपको हर जगह पर इस तरह का जो डेस्क है, जो स्टॉल्स हैं, आपको बाहर दिख जाएंगे फॉर ATK टेस्ट। तो यार ये है स्काई फॉल गोगो, और ये भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। और वॉकिंग स्ट्रीट पर आप जैसे थोड़ा सा आगे आएंगे आपको दिखेंगे यार जो एक छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं लाइक इज अ काइंड ऑफ ओपन बार्स, वो भी यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अगर आप लोग सामने देख रहे हैं कुछ लोग बैठकर यहाँ पर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, उसके अलावा यार जो एक यहाँ पर एक कल्चर है यहाँ पर छोटी छोटी वैन्स का, कार्स का, जिसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाता है आप लोग कह सकते हैं बार्स में, तो उस तरह की जो वैन्स है वो भी यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट पर ऑलरेडी लग चुकी हैं, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अभी थोड़ी देर के बाद इकट्ठे हो जाएंगे, बिकॉज जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतेगा, जैसे जैसे यहाँ पर रात होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर आते चले जाएंगे। और आप लोग यकीन मानिए कि वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर कोई भी क्लब, कोई भी बार, कोई भी डिस्को इस टाइम पे खाली नहीं होता है, सब के सब यहाँ पर टोटली पैक्ड होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यार वॉकिंग स्ट्रीट का फिलहाल ये अभी का माहौल। तो यार वॉकिंग स्ट्रीट पर एक चीज़ जो आज मेरे को बहुत अच्छी लगी वो ये कि यार जो यहाँ पर छोटे छोटे बार्स से यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे भाई बैठकर एंजॉय किया करते थे, जो यार दोनों साइड पर रोड के दोनों साइड पर यार बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, मेरे भाई वहाँ बैठकर एंजॉय किया करते थे। तो एक बार फिर से वो जो बार्स हैं यहाँ पर
ओपन हो गए और मैंने आपको जो सिर्फ अभी यहाँ पर दो ओपन बार दिखाई, एक यहाँ पर बार था और दूसरा यहाँ पर वैन थी, तो इस तरह के बहुत सारे बार्स और बहुत सारी वैन्स वॉकिंग स्ट्रीट पर ऑलरेडी आप लोगों का इंतजार कर रही है, तो बने रहिए आप लोगों का साथ में। थोड़ा सा बढ़ते आगे और दिखाता हूँ वॉकिंग स्ट्रीट का कुछ और माहौल। तो यार अगर आप लोग वॉकिंग स्ट्रीट पर जो सबसे आप लोग कह सकते हैं फेवरेट क्लब्स हैं यहाँ पर, फेवरेट बार्स हैं यहाँ पर अपने एक टूरिस्ट के बीच में, उनमें से एक आप आपके सामने देख रहे हैं कैंडी शॉप, जहाँ पर एक बैंड परफॉर्म किया करता है, म्यूजिकल बैंड के साथ साथ है यहाँ पर डीजे। तो आप लोग जो बाहर चेयर्स देख रहे हैं, अगर थोड़ी टाइम के बाद देखेंगे तो इसमें से कोई चेयर यहाँ पर खाली नहीं होगी और लिटरली लोग जो बाहर का एरिया आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं, यहाँ पर खड़े होकर इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यार फिलहाल जो वॉकिंग की रौनक है कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापस आ चुकी है, सिर्फ वेट है। तो यहाँ पर जो एक टाइम रिस्ट्रिक्शन है उसका थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं जो अभी 11 बजे तक है कि यार उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए ताकि लोगों को इंजॉय करने का और टाइम मिल सके। और उसके साथ में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 808 आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके साथ साथ में अगर आप इन क्लब्स के बाहर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वही स्टॉल जिसकी मैंने आपसे बात करी, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कुछ हेल्थ वर्कर्स खड़े हुए। तो इसी तरह के जो हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ सभी क्लबों के बाहर खड़े होते हैं और सभी क्लबों के बाहर खड़े होकर लोग यहाँ पर एटीके टेस्ट करते हैं, और अगर किसी को भी माइनर सा भी सिम्टम होता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि प्लीज़ आप आपके घर पे जाकर आप लोग जो क्वारंटाइन हो जाइए, या अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई पैनिक यहाँ पे क्रिएट नहीं किया जाता। तो आप लोग बिलीव करिए यार यही वो वजह है, यही वो टेस्ट है जो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ केसेज इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे भाई की घबराने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इन क्लब्स को देखिए और सिर्फ यार कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग भी आए और इन क्लब्स का जो इंटरटेनमेंट है, जो इस क्लब में फन है, उसका आप लोग भी हिस्सा बनिए। यही है वॉकिंग स्ट्रीट का अभी का माहौल। फिलहाल आपको ये सड़कें बिल्कुल खाली दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी, फिलहाल यहाँ पर टाइम हुआ है शाम के लगभग 6:30, तो जैसे जैसे आप लोग कह सकते हैं 7:30 का टाइम होगा तो जितने भी ये क्लब्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर फुल मिलेंगे। तो डे बाय डे यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ता जा रहा है और डे बाय डे जितने भी ये क्लब्स हैं आपको यहाँ पर पैक मिलने ही वाले हैं, और 100% जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं, जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही है, तो आई होप यार मेरे भाई भी यहाँ पर आएंगे और वॉकिंग स्ट्रीट को लाइक आप कह सकते हैं जो एक भीड़ की कमी है यहाँ पर, जो यहाँ पर घूमने वाले लोगों की कमी है, वो कमी भी ज़रूर पूरी करेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। See ya!